नाइन्थ क्लास में जो हमारा चैप्टर 5 है वर्क एंड एनर्जी, तो उसमें हम वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, तो ये सब कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे। इसमें आज हम देख रहे हैं जो एनसीईआरटी है, क्वेश्चन है उसके, वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। प्राची जो पब्लिकेशन की बुक है ये, इसमें पेज नंबर 160 जो है, तो क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैन डू वी से दैट वर्क इज डन। क्वेश्चन है कि आप कब कहोगे कि वर्क डन हुआ है। तो हम वर्क डन तब कहेंगे अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजिशन चेंज कर देती है फोर्स लगने से। बॉडी यहाँ रखी हुई थी पहले, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया आपने, तो बॉडी यहाँ से हटके यहाँ आ गई, उसने पोजिशन चेंज करी, उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आया, तो उसे क्या बोलेंगे आप कि बॉडी ने वर्क डन करा है, ठीक है। किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और बॉडी में वर्क डन तभी माना जाएगा जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर देती है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तब उसे क्या बोलेंगे आप कि वर्क डन हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको एक वो फॉर्मूला लिख कर दिखाना है वर्क डन का, जिसमें किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहे हो और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आ रहे हो उसी डायरेक्शन में। क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल एफ क्रॉस डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, आप 1 जूल वर्क कब कहेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई किया, 1 मीटर डिस्टेंस हो गई उसके अंदर फोर्स लगाने से, तो वर्क डन कितना माना जाएगा? 1 जूल। तो 1 जूल वर्क डन इक्वल होगा 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है, कि किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से अगर बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होगा वो 1 जूल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर हमारे पास ब्लॉक्स है और उसके ऊपर फोर्स लगाया 140 न्यूटन का, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अंदर चेंज कितना आया? 15 मीटर आया। तो आपको बताना कि वर्क डन कितना हुआ होगा। आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है अभी, डेफिनेटली फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है? 140 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 15 मीटर। इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लगा आपका इतने जूल, यूनिट भी याद रखेंगे आप, वर्क डन की यूनिट जूल। इसी के बाद है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? किसी बॉडी में उसके मोशन करने की वजह से जो एनर्जी होती है उसे आप बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि इसका फॉर्मूला लिख कर दिखाओ, मैंने ही लिख दिया, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर का 1/2 इक्वल टू के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोई बॉडी है और बॉडी का वेलोसिटी गिवन है आपको और एनर्जी गिवन है, तो जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर वेलोसिटी को डबल कर दें। तो आपको फॉर्मूला पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का भी, आपने देखा हाफ एम वी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी को अगर आप डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का भी इसी को अकॉर्डिंग चेंज होगी। करो आप डबल वायर से, तो लगा 2V डबल कर रहे हैं आप, कितना 4V स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले जो एनर्जी थी उसका 4 टाइम्स हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उस काइनेटिक एनर्जी उस टाइम कितनी होगी? जिस टाइम 3 टाइम्स कर देंगे तो 9 टाइम्स रहेगी, हाँ 2 0 3 रहेगा, ठीक है। के प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर की, मैंने बताया अभी आपको, वी के लिए कितना करना है? 3 टाइम्स, 3V स्क्वायर कर दो, कितना 3 3 9, 9, तो ये आपको के, कि के जो है प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के डायरेक्टली, तो 9 आ गए यहाँ। और क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर? तो आप लिख सकते हैं पावर में कि रेट चेंज ऑफ वर्क डन, या किसी बॉडी में वर्क डन अपॉन टाइम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट पावर क्या होती है? तो जो पावर है हमारे पास वो क्या होगा, अगर आपको लिखना है तो वर्क डन अगर 1 जूल है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वाट मानी जाएगी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें पावर निकाल सकते हैं अगले क्वेश्चन में, एनर्जी आपको गिवन है, टाइम गिवन है, पी इक्वल डब्लू पॉइंट टी जो आपका फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। तो आज मैंने जितने क्वेश्चन बोले हैं इनका आप एक बार रिविजन कर लेंगे, और इन्हें एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कर करके देखेंगे ना, तो आपके पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन ही।
और S1 का आप रिविजन करते रहेंगे, ग्रेविटेशन और फ्लक्शन वाला जो चैप्टर है।